हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे सामने है 2023 हीरो एक्सटेक। इस 2023 मॉडल में आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, डिज़ाइन पैटर्न में क्या चेंज मिलता है, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है, फीचर्स में क्या हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो कंप्लीट हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए और जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली जो भी वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, अब करते हैं इसका फ्रंट प्रोफाइल से इसका रिव्यू स्टार्ट। सो फ्रंट से जैसे ही हम देखते हैं तो इसके जो वाइज़र है ब्लैक कलर का दिया गया है और उस पर ब्लू कलर की दो स्ट्रिप दी गई है, एक ब्रॉड सी एंड एक पतली सी इसमें स्ट्रिप दी गई है जो इसके फ्रंट प्रोफाइल को और भी ज़्यादा इंप्रूव बनाती है। ये आप देख सकते हैं इसके डे टाइम रनिंग लाइट और साथ में लेफ्ट साइड में हीरो स्प्लेंडर प्लस की ग्राफिक। इस बाइक के हेडलैम्प्स की बात की जाए तो इसमें हैलोजन बल्ब के साथ हेडलैम्प्स इसमें दी गई है और साथ में टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं जिसमें कि बल्ब का यूज़ किया गया है और नीचे की तरफ ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें ऑफर किए जाते हैं। ग्लॉसी ब्लैक कलर का मडगार्ड इसमें दिया गया है और यहाँ पर अलॉय व्हील्स भी इस बाइक में मिलते हैं, साथ में रिफ्लेक्टर भी इसमें दिए जाते हैं, दोनों साइड में मिलते हैं। टीवीएस के इसमें टायर मिलते हैं जिनका साइज़ है 80x118 इंच और दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस में ऑफ़र किए जाते हैं और डिस्क ब्रेक इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी, ड्रम ब्रेक इसमें ऑफ़र की जाती है आगे और पीछे दोनों टायर्स में। सो ये था इसका फ्रंट प्रोफाइल व्यू। अब हम चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में और वहाँ पर हम चेकआउट करते हैं कि क्या कुछ हमको डिज़ाइन पैटर्न और फीचर्स हमको उधर देखने को मिलते हैं। सो जैसे हम इसके साइड प्रोफाइल में आते हैं तो ऐसा कुछ इसके साइड प्रोफाइल मिलती है। ब्लू कलर के जो ग्राफिक्स है इसके साइड प्रोफाइल के लुक को भी और एनहेंस करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं इसका 100cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 8.2 PS की एट 8000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क इसमें मिलती है 8 Nm एट 6000 RPM। जैसे इस बाइक में 100cc का इंजन मिलता है तो ये माइलेज भी काफ़ी अच्छी निकाल कर देता है, जिस जो कि कंपनी माइलेज क्लेम करती है इसकी वो 83.2 KMPL। इस बाइक में मुझे रेसिंग जो पैड है इस पर एक और चीज़ अच्छी लगी, जैसे आपका फुट इस पर रखते हैं और साइड में स्लिप ना हो फुट, उसके लिए भी इसमें साइड में प्रोटेक्शन दी गई है जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा इस बाइक में देखकर। अगर अब और हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें साइड में यहाँ पर भी ग्राफिक्स इसमें दिए गए हैं स्प्लेंडर प्लस के और साथ में एक्सटेक की इसमें बैजिंग दी गई है और ब्लू कलर के ग्राफिक्स भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। रेयर में फुटरेस्ट इसमें दिया गया है जिसकी क्वालिटी डिसेंट रखी गई है और रेयर में आप ये देख सकते हैं स्विंग आर्म विद 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन। साथ ही रेयर टायर साइज़ की बात की जाए तो इसमें आपको दिया जाता है 80x118 इंच का। इस बाइक में आपको एग्जॉस्ट पे भी क्रोम का यूज़ देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और प्रोटेक्शन इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है। और रेयर ब्रेक की अगर हम बात की जाए तो इसमें रेयर ब्रेक का जो डायमीटर है वो 130mm का मिलता है और ड्रम ब्रेक इसमें ऑफर की जाती है। ऐसे कुछ इसमें रेयर टायर है उसकी विड्थ ऑफर की जाती है। अब हम चेकआउट करते हैं इसके रेयर प्रोफाइल को। यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी देखने को मिलता है, साथ में लोड कैरी करने के लिए भी यहाँ पर प्लेस दिया गया है और ये आप देख सकते हैं इसके टेल लैंप और साथ में हैलोजन में टर्न इंडिकेटर्स विद बल्ब के साथ जो आते हैं, साथ में इस बाइक में आपको रेयर में भी रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। अदर साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गार्ड भी दिया गया है और साथ में i3S की जो ग्राफिक्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर हम चेकआउट करें इसके साइड प्रोफाइल के फीचर्स तो यहाँ पर भी फुटरेस्ट ऑफर किया जाता है। इस बाइक में आपको साइड स्टैंड के साथ साथ सेंटर स्टैंड भी ऑफर किया गया है। दोस्तों, इस बाइक में आपको सिंगल सीट देखने को मिलती है जिसकी जो कुशनिंग है वो भी ठीक ठाक रखी गई है, साथ में इसमें रेड स्ट्रिप जो दी गई है वो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। ये आप देख सकते हैं इसका फ्यूल टैंक जिसकी कैपेसिटी दी गई है 9.8 लीटर्स की। अब हम चेकआउट करते हैं इसके हैंडल बार और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वहाँ पर हमको क्या कुछ देखने को मिलता है। सो ओवरऑल जो इसका हैंडल बार है वो इस टाइप का दिया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कीज़, इसमें 2 इस टाइप की कीज़ ऑफर की जाती है। अब हम करते हैं इसका इग्निशन ऑन। जैसे ही मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं इसमें फुली डिजिटली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, जैसे कि
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अब इसमें मिलने लग गई है, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर है। स्पीडोमीटर, आप ऑडोमीटर, ये सब कुछ आप डिजिटली चेक कर सकते हैं। फ्यूल की इन्फॉर्मेशन और एवरेज पर किलोमीटर जैसी इन्फॉर्मेशन आप डिजिटली इसमें चेक कर सकते हैं, और साथ में इसमें न्यूट्रल की इन्फॉर्मेशन, फ्यूल की इंडिकेशन और साथ में इंजन वार्निंग जैसे इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको एक और अच्छा फीचर मिलता है जो कि आजकल कॉमन हो चुका है हर बाइक में, इसमें चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है यूएसबी पोर्ट के साथ। अब हम चेकआउट करते हैं इसके हैंडल बार पे क्या कुछ हमको इन्फॉर्मेशन या स्विचेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के हैंडल बार में पासिंग स्विच देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाई बीम लो बीम के लिए स्विच दिया गया है। साइड टर्न इंडिकेटर और हॉर्न के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम चेकआउट करते हैं इसके राइट साइड के हैंडल बार को, वहाँ पर इंजन किल स्विच देखने को मिलता है और साथ में इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन इसमें ऑफर किया गया है। अब मैं सुनाता हूँ इसकी इंजन साउंड, 100cc का इंजन कैसे इंजन साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे ही हम इसका इंजन ऑन करते हैं तो ऐसे कुछ इसमें इंजन साउंड सुनने को मिल जाती है। अब जैसे ही हम इसका इंजन ऑन करते हैं तो इसकी हेडलाइट भी टर्न ऑन हो जाती है। अब हेडलाइट की बात की जाए तो ऐसे कुछ इसमें जो हैलोजन में बल्ब दिए गए हैं नज़र आते हैं, और साथ में जो डे टाइम रनिंग लाइट है वो टर्न ऑन हो जाती है। अब रेयर टेल लाइट की बात की जाए तो ऐसे कुछ इसमें टेल लाइट नज़र आती है। अब हम चेकआउट करते हैं इसकी अदर स्पेसिफिकेशंस एंड डायमेंशंस। इसका जो कर्व वेट है वो 112 केजी का मिलता है। जो इसका व्हील बेस है वो 1236 mm का दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 165 mm की देखने को मिलती है। साथ ही इसकी सीट हाइट की बात की जाए तो इसमें आपको 785 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। डिजिटली स्पीडोमीटर के एडिशनल फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ, हाई बीम इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर और रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर जैसी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। अब इस बाइक के प्राइस की बात की जाए तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 76,346 rupees। दोस्तों ये था कंप्लीट रिव्यू हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का। इन दिनों मैंने और भी बाइक्स के रिव्यूज़ किए हैं, अगर उनकी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप और किसी बाइक का रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू बाइक, न्यू अपडेट्स। टिल देन गुड बाय।